हेलो दोस्तों दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे विदेशी विनिमय दर निर्धारण के पोर्टफोलियो अप्रोच की, जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं निवेश सूची अवधारणा। तो बच्चों इस पूरे की पूरी थ्योरी पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हम आपको मौद्रिक मॉनेटरी अप्रोच के बारे में बताया था और हमने आपको बताया था किस तरीके से जो मॉनेटरी अप्रोच है वो बताता है कि विनिमय दर में जो परिवर्तन होगा वो मौद्रिक कारणों से मनी सप्लाई की वजह से ही होगा। तो ये जो अवधारणा है ये उसका विस्तार है। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी एक बार आप देख लीजिएगा, वो आप वीडियो हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में अवेलेबल है। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐप पर आपको वीडियो के अलावा नोट्स, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होंगी। तो बच्चों उस सिद्धांत में एक बहुत बड़ी आलोचना ये थी कि उसमें जो विदेशी संपत्ति, विदेशी बॉन्ड है और जो घरेलू बॉन्ड है उसको एक तरीके से पूर्ण प्रतिस्थापन माना गया है, यानी कि कोई भी विदेशी बॉन्ड भी बाय कर सकता है, घरेलू बॉन्ड भी बाय कर सकता है, इसी आधार पर उसकी आलोचना की जाती है। इसके अलावा जो विदेशी व्यापार है उसके महत्व को उसने स्वीकार नहीं किया। तो उसकी इस कमी को दूर करते हुए हमने एक जो नई विचारधारा डेवलप की उसी को हम पोर्टफोलियो अप्रोच भी थ्योरी भी कहते हैं। तो डिटेल में बच्चों हम आपको समझाएंगे। देखिए सबसे पहले तो एक कंसेप्ट क्या है, पहले आप उसको समझिए, आराम से समझिएगा कि विनिमय दर विनिमय दर वित्तीय संपत्ति की मांग और पूर्ति की समान करने की प्रक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि यहां पर जो मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति की जगह पे उन्होंने वित्तीय संपत्ति का यूज किया, यानी कि पोर्टफोलियो अप्रोच कहती है कि वित्तीय संपत्ति की मांग और वित्तीय संपत्ति की पूर्ति को बराबर करने की प्रक्रिया द्वारा विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो एक तो ये आप समझ लीजिए। तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारी संपत्ति है, देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो हमारी संपत्ति है डब्ल्यू वो किसके बराबर होती है, एम डी और आर एफ के। तो यहां पे डब्ल्यू का मतलब है संपत्ति या धन। तो संपत्ति को या तो हम एम में रखेंगे, एम मतलब घरेलू करेंसी के रूप में संपत्ति, ठीक है, डी में रखेंगे, डी का मतलब है घरेलू बॉन्ड के रूप में धन या संपत्ति, और आर एफ का मतलब है विदेशी बॉन्ड के रूप में धन। तो बच्चों मैं आपको समझा देता हूं इसका क्या मतलब है। देखिए आपको यह समझना है कि जो एम है, एम मतलब ये वाला, इसका मतलब है ए डब्ल्यू। जैसे मान लीजिए कि यहां पे मैं इसको मान लेता हूं W की जगह, A की जगह मान लेता हूं मैं इसकी वैल्यू 0.2 W, A की वैल्यू को 0.2 मान लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर हमारी वेल्थ है 100 रुपए की, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि 100 रुपए में से जो 20 रुपए हैं वो मनी के रूप में रखे जाएंगे, M के रूप में रखे जाएंगे। इसी तरीके से जो डी है, डी का मतलब है जो पैसा हम रख रहे हैं किसके रूप में, बॉन्ड के रूप में, घरेलू बॉन्ड के रूप में। मान लीजिए ये 0.5, तो 0.5 का मतलब है कि हम 50 रुपए बॉन्ड के रूप में रख रहे हैं, घरेलू बॉन्ड के रूप में है। और सी का मतलब मान लीजिए 0.3 है ऑफ 100, इसका मतलब 30। तो इसको जोड़ोगे ए प्लस बी प्लस सी को तो ये एक ही आना चाहिए, और इसको जोड़ोगे तो ये डब्ल्यू के बराबर ही होगा। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि जो हमारी संपत्ति है W यानी कि 100, ठीक है, उसका 20 रुपए तो हमने रखा हुआ है मनी के रूप में, जिसको कि हमने AW कह दिया है। इसके अलावा हमने क्या किया है, 50 रुपए हमने रखा हुआ है डोमेस्टिक बॉन्ड के रूप में और 30 रुपए रखा हुआ है हमने विदेशी बॉन्ड के रूप में। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो भी हमारी संपत्ति है, जो भी हमारे पास में संपत्ति है, जो भी हमारे पास धन है, उसको हम तीन फॉर्म में रखेंगे, करेंसी के फॉर्म में, दूसरा डोमेस्टिक करेंसी डोमेस्टिक बॉन्ड के रूप में, तीसरा फॉरेन बॉन्ड के रूप में। तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पैसा हम फॉरेन बॉन्ड में रखेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि सारा का सारा पैसा डोमेस्टिक बॉन्ड में रखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है। इसके अलावा ए बी और सी इन तीनों का जोड़ एक के बराबर है, लेकिन यह तीनों के तीनों आर पर यानी कि घरेलू ब्याज दर पर और आर वन यानी कि विदेशी ब्याज दर पर निर्भर करते हैं। देखिए किस तरीके से निर्भर करते हैं। अगर मान लीजिए आर में कमी होती, यानी कि अगर देखिए ये जो एम है, एम मतलब है करेंसी, जो पैसा आप कैश रखते हो, तो अगर मान लीजिए विदेशों में मुद्रा ब्याज की दर घट जाए या घरेलू बाजार में ब्याज की दर घट जाए, तो आप ज्यादा मुद्रा को अपने पास कैश रखोगे, क्योंकि मुद्रा को कैश रखने की जो कॉस्ट होती है वो ब्याज की दर होती है। अगर ब्याज की दर ऊंची होगी, चाहे वो घरेलू बाजार में हो चाहे विदेशी बाजार में हो, तो इसका मतलब है मुद्रा को कैश रखने के लिए आपकी कॉस्ट ज्यादा है।
तो इसीलिए हमने लिखा है कि m का और r का नेगेटिव रिलेशन है और m m का और r1 का भी नेगेटिव रिलेशन है, तो दोनों का ही नेगेटिव रिलेशन है। इसका मतलब ब्याज की दर नीची होगी, चाहे वो घरेलू ब्याज दर हो चाहे विदेशी ब्याज दर हो, तो आप ज्यादा मात्रा में पैसा कैश रखोगे। डी का मतलब है बच्चों डोमेस्टिक मार्केट में जो आप बॉन्ड खरीद रहे हो, यानी कि अगर विदेशी बाजार में विदेशी ब्याज दर ज्यादा है, या मान लीजिए विदेशी ब्याज दर कम होती है, तो आप पैसा जो है वो घरेलू मार्केट में लगाओगे। यानी कि अगर R बढ़ता है यानी कि घरेलू ब्याज दर बढ़ती है, घरेलू ब्याज दर मान लीजिए, चलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल कर देता हूं, मान लीजिए दोनों मार्केट में शुरू में मान लीजिए 5% है और ये भी 5% है, आई और आई वन। अब मान लीजिए ये 6% हो जाता है, ठीक है, तो क्या आप इसी पोर्टफोलियो को इसी तरीके से रखोगे? बिल्कुल भी नहीं। आप क्या करोगे, कुछ पैसा यहां से यहां पर ट्रांसफर कर दोगे। यही बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आर बढ़ता है या आर वन घटता है तो डी की मात्रा बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये जो है ना दिस वन, ये अगर मान लीजिए 6% हो जाए, तो आप पैसे को यहां से निकाल के यहां लगा दोगे। यानी कि इन दोनों के बीच में ट्रांसफर होता रहता है, डिपेंड करता है आर आई और आई वन के बीच में, यानी कि कौन सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, कौन सा इंटरेस्ट रेट कम है। तो बच्चों यहां हमें यह समझना है कि हमारे पास में दो इंटरेस्ट रेट है, घरेलू बाजार का इंटरेस्ट रेट और विदेशी बाजार का इंटरेस्ट रेट। तो घरेलू बाजार में इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो हम विदेशी बॉन्ड मार्केट में पैसा ना लगा के घरेलू बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाएंगे, और अगर विदेशी ब्याज की दर ज्यादा है तो हम घरेलू बॉन्ड मार्केट में पैसा ना लगाकर विदेशी बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाएंगे। तो पोर्टफोलियो का मतलब है कि हम कितना पैसा घरेलू बाजार में, कितना पैसा विदेशी बाजार में लगाते हैं। तो इसका मतलब बच्चों प्रक्रिया क्या है, देखिए यहां तक समझने के बाद प्रक्रिया को समझिएगा कि प्रत्येक बाजार में संतुलन तब होगा जब वित्तीय संपत्ति की मांग और उसकी पूर्ति बराबर हो, यानी कि तीनों ही बाजारों में अलग अलग संतुलन होता है। अब मान लीजिए घरेलू मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो मनी सप्लाई है डोमेस्टिक मार्केट में वो बढ़ जाती है, मान लीजिए, तो जब मान लीजिए डोमेस्टिक मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो ब्याज की दर में कमी देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे मनी सप्लाई बढ़ती है हम ऑलरेडी जानते हैं कि ब्याज की दर घट जाती है अगर मुद्रा की मांग कम रहे तो। इसका इंपैक्ट यह होगा कि अब जो घरेलू बाजार में ब्याज की दर है वो छोटी हो जाएगी विदेशी बाजार में ब्याज की दर से। इसका मतलब है कि इस स्थिति में जो घरेलू ब्याज दर है वो सस्ती हो जाएगी विदेशी ब्याज दर से, क्योंकि घरेलू ब्याज की दर कम हो गई है, इसलिए अब जो बॉन्ड है हम घरेलू बॉन्ड ना खरीद के विदेशी बॉन्ड खरीदेंगे। यानी कि यही लिखा हुआ है कि घरेलू बॉन्ड की मांग जो है, यानी कि जिसको आप बीडब्ल्यू भी कह सकते हो या डी कह सकते हो, उसकी मांग में कमी आएगी और विदेशी बॉन्ड की मांग में वृद्धि होगी, क्योंकि घरेलू जो बॉन्ड है उसकी मांग में कमी हो चुकी है, विदेशी बॉन्ड की मांग में वृद्धि हो चुकी है, इसलिए विदेशी करेंसी की मांग बढ़ेगी, घरेलू करेंसी की मांग घटेगी, इसलिए घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास होगा। यानी कि आपको याद रखना है कि इस स्थिति में क्योंकि पैसा आप विदेशी बॉन्ड मार्केट में लगा रहे हो, इसलिए घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास होगा इस स्थिति में, और जब घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास होता है तो आयात घटेगा। ये आप सब जानते हो कि जब एक डॉलर जो है, मान लीजिए एक डॉलर 50 रुपीज की जगह $1.60 का हो जाए, आयात बढ़े घटेगा और निर्यात में वृद्धि होगी, इससे क्या होगा, व्यापार आधिक्य होगा, यानी कि व्यापार से इसमें सरप्लस क्रिएट होगा, और जैसे ही व्यापार से इसमें सरप्लस क्रिएट होता है घरेलू करेंसी के मूल्य में फिर से वृद्धि होगी। यानी कि घरेलू करेंसी के मूल्य में वृद्धि कैसे हुई, पूरा प्रोसेस दोबारा समझिए बच्चों। सबसे पहला मनी सप्लाई को बढ़ाया, मनी सप्लाई बढ़ने से जो इंटरेस्ट रेट है डोमेस्टिक मार्केट में वो घट गया, डोमेस्टिक मार्केट में इंटरेस्ट रेट घटने से जो डोमेस्टिक मार्केट का इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गया, किससे, इंटरनेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इससे क्या होगा, जो डिमांड है डी है डोमेस्टिक करेंसी बॉन्ड में जो रख रहे हो उसकी मांग में कमी आएगी, और जो फॉरेन में रख रहे हो आरएफ इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। इससे ओवरऑल ये होगा कि जो हमारी करेंसी है सी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, और सी की वैल्यू डेप्रिशिएट होने की वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, इंपोर्ट घटेगा, जिसकी वजह से जो बीओपी है उसमें सुधार देखने को मिलेगा, और क्योंकि बीओपी में सुधार हुआ है इसलिए फिर से करेंसी का मूल्य अप्रिशिएट होगा, और अंततः फिर से जो मूल्य वृद्धि मूल्य में जो ह्रास हुआ है यहां पे वो मूल्यह्रास एक तरीके से खत्म हो जाएगा। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा प्रोसेस, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं स्टेप बाय स्टेप, नंबर वन नंबर टू करके। यहां बच्चों थोड़ी स्पेस कम है लेकिन हम यहां पर आपको बता देते हैं, ये हमने अपना एरिया मान लिया, इसी एरिया में हम आपको समझा देंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, नंबर वन मनी सप्लाई बढ़ी है, तो मनी सप्लाई बढ़ने से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गिर गया, ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरने से जो आर है इट विल बी लेस देन आर वन, तो इसकी वजह से यानी कि डोमेस्टिक मार्केट में बॉन्ड खरीदने की डिमांड घटेगी, यानी कि जो डी है जो आप डोमेस्टिक मार्केट में बॉन्ड खरीद रहे हो घरेलू बॉन्ड के रूप में धन, ये घटेगा, और विदेशी बॉन्ड के रूप में जो पैसा रख रहे हो वो बढ़ेगा।
ठीक है, यानी कि ये घटेगा ये बढ़ेगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो करेंसी की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होगी। मैं आपको यहां पे सी लिख देता हूं बच्चों, करेंसी की वैल्यू को, करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। जैसी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, इंपोर्ट घटेगा। ठीक है जी, इंपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ये मनी है, यहां पे मैं इंपोर्ट है, ये हमारा मैं आपको इंपोर्ट लिख देता हूं सीधा, इंपोर्ट घटेगा और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें सरप्लस होगा। और क्योंकि बीआर बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस है तो फिर से जो करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ेगी और पुनः जो सी जो है वो यानी कि फिर से आर और आर वन बराबर बराबर एक जगह पे जाके स्टेबल हो जाएंगे, यानी कि फिर से इकोनॉमी उसी रूप में वापस आ जाएगी जिस रूप में चलना शुरू किया था। लेकिन ये प्रक्रिया जो है वो काफी लंबी चलेगी, काफी लंबे समय के बाद ये होगा, यानी कि अंततः शुरू में हुई जो मूल्य वृद्धि है उसका प्रतिकार अर्थव्यवस्था कर देगी। तो बच्चों ये है पूरी की पूरी थ्योरी। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि जब आप मनी सप्लाई को बढ़ाओगे तो घरेलू करेंसी और विदेशी करेंसी के बीच में जो पोर्टफोलियो है उसमें चेंज आता है। ऐसा नहीं है कि सीधी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है, एप्रिशिएट हो जाती है, तो ये पूरी थ्योरी कहला देती है। हालांकि इस थ्योरी की भी कुछ आलोचनाएं हैं, कुछ क्रिटिसिज्म है, जैसे इस थ्योरी में जो वास्तविक आय है इनकम का लेवल उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा बच्चों इसमें जो व्यापार प्रवाह यानी कि बैलेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में तो बात की गई है, लेकिन किस तरीके से फ्लो होगा उसके बारे में विशेष ध्यान नहीं दिया गया। जो हमारी आकांक्षाएं आशंकाएं सॉरी एक्सपेक्टेशन है जो या आप कह सकते हो जो है उसको कोई महत्व नहीं दिया गया, और जो भी इंपेरिकल स्टडी गई है उसमें उसके मिक्स रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो बच्चों यह है पूरी की पूरी थ्योरी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट भी समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।